करते हैं और उनके साथ है पूरे सरकार और उड़ीसा में कौन सा जगह में हम इसे वोट को नहीं पा सकते हैं ये बात अलग है। लेकिन इस समय भी हमारे और एक यूट्यूबर जो कि ब्लेजर फुटबॉल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं इस मैच को इतिहास बनाने के लिए, अगर कोई देखना चाहते हैं तो अपना यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं अगला वार्ड के साथ स्वागत करना चाहूंगा, माइक्रोफोन पर वेलकम करना चाहूंगा लेटिन का। हेलो, धन्यवाद सभी। और सबसे पहले उपस्थित सभी दर्शक बंधु खेल प्रेमी और खिलाड़ियों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और इस समय मैच चलता हुआ मैदान के अंदर आजाद स्टार और 10:40 के बीच जो कि वार्ड जर्सी पर खेल रही टीम 10:40 की टीम है और ग्रीन जर्सी पर आजाद स्टार सालीपुर की टीम है। और कहना पड़ेगा यहाँ पर सबसे उम्रदराज खिलाड़ी खेल रहे हैं आजाद स्टार और सालीपुर की तरफ से, जो बुलेट वाट पिंगवा इस समय 13 नंबर की जर्सी पर जर्सी पहनकर खेल रहे हैं। खतरे के एरिया से बाहर चली गई गेंद और सीधे मैदान से भी बाहर जाता हुआ बढ़िया मोमेंट था वहां पर, बढ़िया क्रॉस डाली थी चौदह पर, एक मौके पर आए भी थे लेकिन छू नहीं पा गए तो इस कारण से ये उनका जो एक मौका हो सकता था चुकी थी फिर से मौका बनाने की कोशिश लेकिन डिफेंडर मौजूद लव्यू छा के साथ गेंद को रिलीज की टप्पा करने से पहले नियंत्रण करने की कोशिश करता हुआ इस समय छोटे छोटे कदमों का इस्तेमाल बढ़िया पास है विकेट ली थी है विकेट नियंत्रण के गेंद को सालीपुर इस समय आक्रमण का मोमेंट बनाता हुआ बढ़िया पास दिया है सेंटर फॉरवर्ड को दिए यहां पर विकेट के लिए निकाला उन्होंने ग्यारह नंबर को मिलता हुआ गेंद मैदान पर पिछले वर्ष चैंपियन रह चुकी है और देखना पड़ेगा इस बार उनका क्या चलवा होता है। लेकिन आजाद स्टार सालीपुर उनको रोकने का प्रयास करता है बढ़िया मौका गेंदबाज के लिए यहां पर देखना पड़ेगा बढ़िया की ट्राई है लेकिन थोड़ी सी चूक उछाल ज्यादा हुई आगे चली गई से बाहर ग्यारह नंबर अगर थोड़ी सी दीवार लगाने की जरूरत थी थोड़ा सा होल्ड करने की जरूरत था और बढ़िया फुटबॉल यहाँ पर देखने को जरूर मिलता लेकिन ऐसा नहीं कर पाया उन्होंने गोलकीपर ऑलरेडी बीट हो चुके थे गोल की पूछ संभाला लेकिन यहाँ पर एक और मौका मिलता हुआ कॉर्नर के रूप में देखना पड़ेगा सालीपुर इस कॉर्नर से क्या कुछ हाल है तब सोलह 40 के ऊपर बढ़िया की यहाँ पर 40 के ऊपर होंगे अपने नियंत्रण में रखकर तेजी दिखाते हुए आक्रमण के लिए चार खिलाड़ी दौड़ पड़े हैं और तीन डिफेंडर आए हैं यहाँ पर रोकने के लिए कोर्स और जो मौका है लेकिन गोलकीपर के पास से बैठे बढ़िया मोमेंट था यहाँ पर हम देख रहे थे ऐसा लगा है कि दोनों टीम में स्कोर की कमी है बाकी सब बढ़िया है बाहर से टकराया और लेने का प्रयास कोशिश जरूर था इस आक्रमण दूर करते हुए फिर से मौका मिली है छह नंबर को मिली है गेंद छोटी चकमा और बढ़िया रिजल्ट आने की संभावना लेकिन नहीं कहना पड़ेगा यहाँ पर कि सालीपुर के डिफेंडर्स भी कम नहीं बढ़िया डिफेंसिव खेलते हुए
और ओपन स्पीड से अटैक करने के लिए छह नंबर को पीछे लिए गए। लेकिन अभी तक इसका टीम टॉप के अभी दावे नहीं है, अभी तो अभी फंसा है ना, अकेले नहीं दिख रहा, अभी दिख रहा है साली बुरु के विरोध भी। गोल खाते का बनाया नहीं दिखा रहा है, दिखा रहा है। और बड़ा गया है। पुलट खाओ। हारिस के साथ गोल के बाद सदा साली बुरु के कब्जे में गए थे, खिलाड़ी के बीच का एक बार सुंदर तरीके से आकर अपने लक्ष्य और फ्रीकी के साथ यहाँ पर 10-40 नौ नंबर के खिलाड़ी जो कि अपने साथ खिलाड़ी को ढूंढते हुए शमशीन और शमशीन के कब्जे में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर गेंद को सीधा पुनः एक बार सालीबुरु और सालीबुरु के कब्जे में गया सुंदर तरीके से छह नंबर के खिलाड़ी दो नंबर के लिए। और ये दो नंबर के खिलाड़ी बिना विलंब के माइनस पास किया छह नंबर के लिए। और छह नंबर यहाँ पर पुनः एक बार देखा जाए नौ नंबर शमशीन के कब्जे में और शमशीन ने यहाँ पर एक खिलाड़ी को बीट करने का प्रयास 11 नंबर के लिए निकालने का प्रयास। लेकिन इस समय पंकज और पंकज से फिर तुरंत सीधी के कब्जे में और सीधी यहाँ पर अपने साथ खिलाड़ी को ढूंढते हुए लेफ्ट शूटर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर राहुल के लिए निकाला। राहुल तत्व क्या कुछ कर पाएंगे छह नंबर राजबारी के लिए। और ये राज ऐसा दमदार जी के साथ गोल पोस्ट में डालने का प्रयास। लेकिन गोलकीपर के यहाँ पर जितनी प्रशंसा की जाए कम पड़ जाएगी। लेकिन इसके साथ गोल की पूरी तरह से गवाते हुए गैर सही के यहाँ पर गोलान से बाहर और समय बल्कि का मौका 10-40। निश्चित रूप से पिछले साल का चैंपियन टीम है, देखना होगा यहाँ पर क्या कुछ रंग लाएंगे इस साल। लेकिन समय गेंद राज ऐसा के कब्जे में काफी तेज गति से दो खिलाड़ी को बीट करने का प्रयास। और दो खिलाड़ी को बीट करते हुए यहाँ पर तीसरा खिलाड़ी को सदमा देने के बाद पांच नंबर पंकज के लिए निकाला सॉरी सीडियो के लिए। और ये राजेशा किक लिया जरूर राइट शूटर का इस्तेमाल लेकिन टारगेट से बाहर और गेंद चली गई सीधे गोल से बाहर। अनेक टेबल की क्रिया मौके आजाद शार्क क्लब सालीपुर रेलटेन सालीपुर अकी कतर के प्रयास में दम 48 अकी कतर की किसका का बॉल मंडी जाना चाहता है अकर में बैठे प्रयास लेगा। 11 नंबर लगे 11 नंबर दमदार की के साथ 5 नंबर लगे सीधे खिलाड़ी को सजा सबरा कहते ऑफिशियल तातागो बिटा गति अपराध सब तो चलिए अनुसंधान तागो तला वाले से बोलवा राजेश आनी तारंदा की है।
निश्चित रूप से यहाँ पर दोनों टीमें एक दूसरे को पहुंचाने के लिए पूरी तरह से मेहनत करते हुए तीसरा राउंड अपना जगह सुरक्षित करने के लिए देखना होगा कौन से टीम यहाँ पर तीसरा राउंड में अपना जगह सुरक्षित खिलाड़ी यहाँ पर अपने साथ खिलाड़ी को ढूंढते हुए सेंटर फॉरवर्ड के लिए निकालने का प्रयास है लेकिन उस समय 10-40 के मुख्य डिफेंडर यहाँ पर मौजूद और यहाँ पर आप डिफेंडर के कब्जे में गए सेंटर फॉरवर्ड 4 नंबर के कब्जे में गए हैं जो कि बिमल भी और ये बिमल भी सुंदर तरीके से यहाँ पर राजस्थान के लिए निकालने का प्रयास मुख्य डिफेंडर लेकिन उस समय चुनाव पर सीधे बढ़ते और सीधे बर्फों के कब्जे में गया था जैसे अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए खिलाड़ी को बीट करने के बाद सुंदर तरीके से आगे ले जाने का प्रयास है लेकिन यहाँ पर बुलेट मौजूद और बुलेट पूरी तरह से गेट को रोका लेकिन उस समय और ये इसके माध्यम से नेत्र डालने का प्रयास कम से कम 9 नंबर के पोशाक पर और यहाँ पर बुलेट को बीट करने का प्रयास है लेकिन तब तक लेकिन गेंद को फाली गई बिना कोई नुकसान का चीज है गोल दबा और सुना गलती कर लो का अगर विश्वास कर चालू करो मैच मैच के लिए तैयार हो जाएंगे मैच मैच के लिए तैयार हो जाएंगे गुजारिश करना चाहूंगा दोनों टीम के टीम में जाए कप्तान या कौन से अभिनंदन सुरक्षित पिया शेखारा खिलाड़ी को सजा समाप्त है
साथ के साथ शूटर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर राइट विंगर के लिए निकालने का प्रयास, लेकिन तब तक गेंद है
बढ़िया चौका यहाँ पर देता हुआ बढ़िया गेंद बड़ी है कि चाहिए थी जमीन लेकिन बिल्कुल इस बार भी टकरा फिर से सिवल इस समय सिवल खाल के साथ डालने गेंद को लेकिन दो विकेट मौजूद है रोकने की कोशिश पांच ओवर से और भी बार बार के साथ खेला लेकिन उसके बाद मिलता हुआ गेंद चार ओवर कर रही है उन्होंने बढ़िया पास खेलने की कोशिश करता हुआ लाल छोर से बाहर नजर का प्रयास करता हुआ कुछ कर रही है लेकिन बुलेट बुलेट की रफ्तार से आए और गेंद को सीधे बनाकर बाहर देता हुआ और एक कॉर्नर का मौका मिलेगा 10:40 को इतना पड़ेगा 10:40 क्या कुछ करेंगे यहाँ पर मौका है लेकिन बढ़िया है डर लंबे कट के डिफेंडर लेकिन इस तरह गूगल को मिलता है गेम मानव अपने पास करना चाहते थे छीन गए गेंद उनसे और आक्रमण का मोमेंट बनी है यहाँ पर सालीगुरु के लिए देखना पड़ेगा सालीगुरु तीन ओपनर्स आए हैं यहाँ पर अटैक करने और चार डिफेंस यहाँ पर पहुंच चुके हैं इसे रोकने के लिए देखना पड़ेगा और छीनने में सफल हुई लेकिन बीच रेफरी महोदय की लंबी होपनिंग और खेल समाप्ति की घोषणा और अगला मैच खेलने के लिए